चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये कह रहा है प्रोपेनोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्ट कर रहे, 2016 का पेपर है बेटा, पेपर 5, 2016 फरवरी मार्च का पेपर है, फ्लोरीन 52। आपसे कह रहा है आपके पास एक कीटोन है, उसके अंदर मिथाइल कीटोन है, आपने आयोडीन डाला है। अगर इसने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो पॉसिबल चांसेस ये है कि ये जो है वो मिथाइल कीटोन का टेस्ट हो जाए, आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहरहाल देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। द ऑर्डर, पता नहीं कौन सा रिएक्शन है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन। अगर मैं इसको टॉपिकल बनाना चाहूँ तो ये है काइनेटिक का सवाल, काइनेटिक और टॉपिक बनेगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट इसने किया है जिसके अंदर ए लिया है आपने, बी लिया है, सी लिया है, ठीक है जी, तीनों रिएक्टेंट के नाम ले लिए। अ सॉल्यूशन आर मिक्स टू स्टार्ट द रिएक्शन, एट सर्टेन पॉइंट लेवल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड ट्रांसफर टू अ कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस प्रिवेंट एनी फर्दर सिग्निफिकेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन आइन। मैं समझाता हूँ आपको, आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये है कोनिकल फ्लास्क में, और ये है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, या यूं समझ लें कि आपके पास एक बीकर है, बेटा एक बीकर है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें तीनों चीजें। अब आपसे कह रहा है इसके अंदर से इसको ट्रांसफर करें, इसमें से 10 CM³ आपने निकाला है, इसके अंदर पहले से मौजूद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने इसके अंदर ब्यूरेट में भरना है सोडियम थायोसल्फेट, इसमें से निकलेगी आयोडीन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। आयोडोमेट्री भी है इसके अंदर, आयोडोमेट्री भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आयोडोमेट्री भी है, चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है स्टेट द साइज एंड टाइप ऑफ अपडेट नीडेड टू प्रिपेयर अ सुटेबल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताइए किसमें बनाते हैं हम, बोलिए बेटा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लैब में पी3 में किया था, इस तरह की एक बोतल होती थी, याद करें, मैं इसको मटका कहता था, मटका। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बेटा। इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूम भी बताना है, वॉल्यूम भी अपरेटस बनाता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हम देते थे 250 CM³। तो बेटा अपरेटस का नाम लिखेंगे इधर, अपरेटस का नाम लिखेंगे इधर, अपरेटस है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क।
volumetric flask. इसका रेंज है 250 सीएम क्यूब वाली। चलिए अगले अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसी का पार्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोपेनोन नीडेड टू प्रिपेयर दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए डिफरेंट स्टेप्स में काम करते हैं, क्या आ जाएगा स्टेप वन, क्या आ जाएगा स्टेप टू, क्या आ जाएगा स्टेप थ्री। चलिए स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन मास ऑफ प्रोपेनोन पूछ रहे हैं, मास ऑफ प्रोपेनोन पहले मोल निकालें बेटा, मोल बेटा पहले मोल निकालें प्रोपेनोन के। बताइए आपको प्रोपेनोन की कंसंट्रेशन गिवन है बेटे, आपको वॉल्यूम भी गिवन है, आप मोल निकाल सकते हैं। बेटा मोल बराबर है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कंसंट्रेशन है 1, वॉल्यूम है 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये बनता है 2.5 इंटू 10^-2 मोल ऑफ CH3COCH3। अब आइए स्टेप टू, बेटे आपको मोल निकाल लिया, मास निकालना है। स्टेप टू मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल। बेटा एम आर है आपके पास, इसका एम आर निकालेंगे, एम आर है कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, 12 3 6 1 16 1 36 6+16। बोलो बेटा कितना बन रहा है ये, बोले बेटा कितना बन रहा है ये, 58 बेटा 58। तो आपने लिखा 58 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10^-2। बोलो बेटा इसका क्या बनेगा, 14.5। बेटा चेक कर लेना, बहुत ज्यादा आ गया है 14.5। ये तो कंसंट्रेशन 1 मोल से भी ज्यादा बन जाएगी, 1.45 ग्राम आ गया, 1.45 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोल्यूशन ए बी एंड सी नीड टू बी एडेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड द क्लॉक स्टार्टेड एज द थर्ड सोल्यूशन इज एडेड, सजेस्ट द बेस्ट ऑर्डर ऑफ एडिंग द सोल्यूशन। बताइए वो दिखाए ना क्वेश्चन ऊपर करके, अभी ऊपर दिखा, पहले ए बी सी की तरतीब बतानी है आपने, ठीक है। पहला प्रोपेनोन डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या आयोडीन डालेंगे, ठीक है सर। बोले सबसे पहले क्या चीज डालनी चाहिए, ए डाले बी डाले सी डाले, पहले सी डालेंगे, पहले सी डालेंगे, बताएं क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा किसी और चीज के साथ। देखिए अगर आपने सबसे पहले डाल दिया ए, आपने डाल दिया ए और फिर बाद में डाला बी, तो एसिड रिएक्ट कर जाएगा बी के साथ, नहीं तो सबसे आखिर में क्या डालना चाहिए,
वो ए हाँ अगर आपने सबसे आखिर में ए डाला तो ए है आपका, लेकिन आपको ये भी मालूम है H2SO को राइडिंग के साथ ऐड कर जाता है। बताइए अब क्या करें? आप बता सकते हैं असल रिएक्शन है किसके साथ? इक्वेशन लिखा है ना आपके पास यार, क्या कर रहे हो यार? ये रिएक्टेंट्स है ना, एसिड कैटलिस्ट होगा साथ साथ, और क्या होगा? बोलो बेटा, सबसे पहले कैटलिस्ट डाल दो ना, उसके बाद फिर बी, पहले आप बी डाल दो, फिर ए डाल दो, फिर सी डाल दो। पहले बी डालना है आपने हर सूरत में। ओ भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर, तो रिएक्टेंट जो होगा इक्वेशन में सबसे आखिर में डलेगा। जो रिएक्टेंट है वो सबसे आखिर में डलने चाहिए। देखें रिएक्टेंट दो हैं, ठीक है, रिएक्टेंट दो है ए और सी। देखें ना, ये दो रिएक्टेंट है, ये रहा ए और सी, ये है ए ये है सी। तो भाई बीच में डाल दो बी। ये देखो, ये देखो, पहले डाल दिया तुमने बी, सही है। ये देखो, ये बी है, ये बी है। जब तुमने बी डाला तो बेटा आपने सबसे पहले डालना है बी। ये देखें, ये बीकर है, बीकर में आपने डाला पहले बी, फिर डाला आपने ए। अब आप जैसे ही सी डालेंगे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट वन है। ये है रिएक्टेंट टू। इफ्तिजाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये है कैटलिस्ट। तो भाई बी पहले डालो, फिर तुमने क्या डाला था ए, फिर सी। इत्तेसम, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा जी सर, आप बोलेंगे, कैलकुलेशन भी आप करेंगे, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे जोर जोर से। आपको समझ आया बेटा मैंने क्यों डाला पहले बी, क्यों डाला सी, फिर क्यों डाला ए? बोलो मेरे बच्चों, समझ आया? जी सर, बी एस आप लिखेंगे, ए एंड सी बोथ आर रिएक्टेंट, सो फर्स्ट एड कैटलिस्ट, देन रिएक्टेंट वन, देन रिएक्टेंट टू। बात समझ आ रही है? चलिए अब आपसे सर पूछ रहा तो बी और इस ए रिएक्ट नहीं करेंगे? बेटा, बी तो कैटलिस्ट है ना, बी और ए कहां से कैटलिस्ट करेंगे? अगर वो एस्टर हो तो कर जाते, कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा ना। एस्टर होता तो रिएक्ट कर जाता। अच्छा सर, हम ऐसा नहीं कर जी सकते सही। थे कि हम पहले सी डाल दें फिर बाद में ये डालें? हाँ बेटा, पहले सी डाल दें, नहीं पहले तो आपको बी डालना पड़ेगा ना। बी डालें फिर सी डालें फिर ए डाल दें, पहले बी डालना पड़ेगा। अगर आपने पहले ए डाला फिर बी डाला फिर सी डाला, ये भी सही है। हाँ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? सही है सर। सर ए और सी की जो जगह उसमें कर सकते हैं, एक आपने ए डाल, अगर आपने ए पहले डाल दिया बाद में बी डाला फिर सी डाला, ये भी सही है। कोई एक तरतीब तो करनी थी ना, इसलिए मैंने ये तरतीब डाल दी। अब अगला है टेन सी एम क्यूब डालना है। बताइए टेन सी एम क्यूब के लिए बेस्ट क्या चीजें हैं?
पिपेट 10 सीएम क्यूब के लिए बेस्ट चीज है पिपेट। बताइए अगर किसी भी रिएक्शन में एसिड ज्यादा हो जाए तो एसिड को रिमूव करना हो तो आपको रिमूव करने के लिए दो चीजें डाल सकते हैं आप। अगर एसिड को रिमूव करना है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डालते हैं, ये प्रिफरेबल है। बताए क्यों? बोले बेटा। अबे बोलो ना यार। क्योंकि एनओएच ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ एनएओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको प्रिफरेबल नहीं करते हैं। लैब में है ना, क्योंकि देखें पहली चीज तो ये है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आपने इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या ये आयोडो फॉर्म नहीं दे देगा? जी सर दे देगा। तो भाई ये तो कहानी कुछ और बन जाएगी, एक और नया रिएक्शन हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते के साथ ही एच पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप सुकून से बैठे रहिएगा। अगर हाइड्रोजन बबल मुस्तकिल आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, इसका मतलब है एसिड अभी भी है, लेकिन जैसे ही बबल खत्म हुआ समझ जाइएगा एसिड खत्म हो गया। बोले बात समझ आ रही है? तो जी सर। दो रीजन है, मैं दोनों रीजन लिखता हूं। नंबर वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विल गिव आइडो फॉर्म रिएक्शन, विल गिव आइडो फॉर्म रिएक्शन। एंड रिएक्ट विद मिथाइल कीटोन ग्रुप। क्या मतलब साइड रिएक्शन दे देगा? गिव साइड रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस विच एक्ट एज आइडेंटिफिकेशन, विच एक्ट एज आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आइंस। चलो बेटा अगला सवाल है, पूरी कैलकुलेशन मांग रहा है। अभी देखिए, अभी आपसे कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अनरिएक्टेड आयोडीन इन ईच 10 सीएम क्यूब ऑफ पोर्शन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट थायोसल्फेट। ये तो आपको मालूम है थायोसल्फेट ब्यूरेट में, इससे आयोडीन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, ये आपको मालूम है। मोल रेशियो आपको यहाँ दिख रहा है। अब सवाल शुरू हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है जी, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टेप 1। सर एक मिनट, ऊपर वाला दिखाएं जो आपने दो रीजन चेक। लिखो बेटा ये रंग, देखो समझ के करना शुरू करो, कोई कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं।
चलो बेटा हो गया, जी जी सर, थैंक यू। चलो मेरा बेटा आप स्टेप वन है। स्टेप वन क्या है, आपने निकालना है मोल ऑफ आई टू। अब मोल ऑफ आई टू कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय थाउजेंड। मेरे बच्चे कंसंट्रेशन है 0.2, वॉल्यूम है 10, वॉल्यूम है 1000। बोलो बेटा कितना आ जाएगा। एक सेकेंड, 2 into 10 to the power -3। 2 into 10 is to power -3 मोल आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अच्छा जी अब आ जाओ स्टेप टू। स्टेप टू, अच्छा आपने क्या इसकी डाइल्यूशन की थी, आप जरा चेक करिएगा आपने इसकी डाइल्यूशन की थी। कहाँ गया, कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, आई टू, आई टू यहां से स्टार्ट किया था ना बेटा। यहाँ तो गौर से देखिएगा, यहां से ये था, ये था, आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसमें था, हमने ये गलत कैलकुलेशन कर ली, इस ये मोल निकलेंगे। आए मेरा बच्चा आपको मेरी आवाज आ रही है, जी सर, इसमें से मोल आ जाएंगे, तो ये टोटल मोल कितने में आ रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा। ये आ क्या रहे सर वापस हैं, रिपीट करें सर? देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुमने जो आयोडीन लिया है ना, आयोडीन वो है पचास जी सी एम क्यूब 0.2 मोल पर DM³ में, ठीक है सही है, इसमें से जी, तुमने लिया है। ठीक है तो पहले तो तुम निकालोगे याला मोल, ये गलत निकाले मोल, 10 नहीं है बेटा, ये 50 CM³ में लिया है बेटा। बोलो कितना आ जाएगा। सर वहां पे तो उन्होंने सर 10 CM³ बेटा, 0.01 आ रहा बेटा है सर, इसकी जीरो बात पॉइंट नहीं, जीरो बेटा बेटा मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये वो आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन उन्होंने रिमूव किया है ना, तो हम 10 लेंगे तो ही लेंगे। नहीं, अब सिर्फ एक मिनट, मुझे सिर्फ एक मिनट, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है अब आप वापस ऊपर आए, अब आप देखें इनिशियली आपके पास कितने मोल थे, इतने मोल थे ना, बोले बेटा इनिशियली इतने मोल थे ना, जी सर, बोलो बेटा। अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है। हंड्रेड, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 100 सॉरी तो ये जितने भी मोल आ रहे हैं ना ये 100 CM³ है, फिर इसमें से 10 लिए हैं। स्टेप टू टोटल वॉल्यूम, पच्चीस प्लस पच्चीस प्लस फाइव, आप क्लास में है बेटे, 100 CM³। मेरा बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है, प्लीज तो अब आ जाएं आप स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री आप यहां लिखेंगे वॉल्यूम, यहां लिखेंगे मोल, बताएं 100 CM³ में मोल कितने आ रहे हैं, 5 into 10 to power -3, तो 10 CM³ डाला था ना आपने, बोलो बेटा कितना आएगा। सर
सर 50 वॉल्यूम पे 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 था। देखिए सर मेरी बात सुनो, ये जो अगर आपने मोल निकाले स्टेप वन में, सर मोल जो निकाला है आपने वो 0.01 आ रहा है, ये 5 × 10^-3 थोड़ी आ रहा है। मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? यानी आप क्या कह रही, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ जो आपने मोल निकाले ना स्टेप वन में आयोडीन के, वो हाँ 0.01 आ रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरी तो बात ये सुनो इधर, आपने मेरी आंसर जी देख देखे मुझे मार्किंग इसकी उसकी को नहीं देखना, तो इधर देखे आप मेरी बात सुनिए। हम सब मिलके कर रहे हैं सवाल, ठीक है? बताइए जो स्टार्ट में रिएक्शन हुआ है उसमें आयोडीन इतना डाला है, ठीक जी है? आपने स्टार्ट में इतना डाला है तो कितने मोल हो जाएंगे? यही हो जाएगा ना, 50 × 0.2 डिवाइड बाई 1000। हाँ, तो ये डिवाइडिंग कैलकुलेटर में ये 0.01 आ रहा है, यही तो मैं बोल रही सही है वो? नहीं, ये तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 0.01 0.01। तो जी। ये आप ही लोगों ने लिखवाया है यार, बताएं ये क्या रहा है, 1 × 10^-3। वन टू वन टेन माइनस टू एच -2 आ रहा, -3। यार, पता है उस वक्त कोई बोल ही नहीं रहा था, मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ी है बेटा, अभी इस वक्त तो नहीं है ना। ये माइनस कितना, -2। जी अब सर बताइए क्या माइनस आंसर, टू है। अब बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। एक सेकंड सर मैं बता रही हूँ। यार कसम खुदा की बड़ी ज्यादती है, लेकिन माने मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है, मैं चाहता हूँ कि नामा वन ना इज टू हो। 10^-3 आ रहा है, 1 से। हाँ बेटा देखो, हम कितनी जल्दी कर लेते, अगर कैलकुलेशन आप लोग करें ना ऐसे ही, तो बेटा मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है? ये आ गया 1 × 10^-3। सिर्फ इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि ये आंसर हमें गलत लिखा हुआ था। सर ये अच्छा जी, तो मोल सजेस्ट थी तक ना, ये वॉल्यूम कैसे हुआ? अबे वॉल्यूम निकालना था, ये हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, हमें तो वॉल्यूम निकालना था। सर तो अभी मोल रेशियो देखेंगे ना, उससे वॉल्यूम आ जाएगा, फिर वो इक्वेशन जो अभी वॉल्यूम। अच्छा एक मिनट ना, सर देखें वो बोल रहे कि इतने मोल ली, हाँ हाँ बोलो 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 बेटा, एक अभी तो मिनट सर इस एक मिनट सर सर बेटा बेटा इसका मतलब ये हुआ मैंने जज्बातियों के काम किया, अभी और भी काम आने भी खत्म नहीं हुआ है। सही है, ये देखो ये आ गया स्टेप 3, ठीक है बेटा? ये आ गया स्टेप 3, ये यहां लिखा आपने, इधर फिर वो करेंगे N1C1। सही है, ये आपके पास जी अभी अभी करते हैं, चल कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पास ये मोल आ गए, ठीक है? मोल कितने में आ गए आपके पास, इसके मोल आ गए, मोल ऑफ I2, ठीक है बेटा? अब आ जाइए स्टेप 4, होगा ना, अब वन एस मोल टू रेशो से निकल, टू से। बिल्कुल सही है, क्या भाई बेहतरीन बात कही है। स्टेप 4, अब आपके पास मोल रेशो हो जाएगा Na2 ये वन एस टू इंटू ओ टेन टू द थ्री पावर -2 नहीं होगा? आप करके देखें बेटा ये क्या आंसर आ रहा है। अभी सर 10 cm³ में रहेंगे मोल्स। सर बेटा 10 cm³ तो रिएक्ट कर रहा है, देखिए ना, आपने इसमें से 10 cm³ ले, इसमें जब आपने रिएक्शन कर लिया था उसमें से 10 cm³ लिया था ना, देखिए ये रहा 10 cm³, ये 100 है। सही बेटा, कोई बात नहीं, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। स्टेप 4 आपने निकालना है सोडियम थायोसल्फेट रेशियो I2, तो I2 सोडियम थायोसल्फेट का रेशियो लिखकर इक्वेशन लिखी गई। हाँ ये लिखा हुआ,
आई टू वन है, ये टू है, तो वन इंटू टेन इज टू पावर -3 और ये एक्स, टू इंटू टेन इज टू पावर -3 मोल ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री। आंखें बंद करने से ना बेटा ये चीज खत्म नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे और आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से एस देना पड़ेगा। मेरी बातें कड़वी लग रही है लेकिन है सच। चलिए अब आपने वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम मेरे बच्चों वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। स्टेप 5, वॉल्यूम ऑफ H2O3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी सोडियम डाइसल्फेट की, 0.1। जीरो पॉइंट वन। चेक कर लो मेरे बच्चों, 0.1 ही है ना, सही है, सही है बेटा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन कंसंट्रेशन होगा ना, सर मोल अपॉन कंसंट्रेशन। मोल अपॉन कंसंट्रेशन। और सीएम क्यूब में आंसर देना है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 भी हो जाएगा। तो मोल आपने निकाले 2 × 10^-3 बेटा। कंसंट्रेशन बताना बेटे, क्या बोल रहे थे, 0.1। 0.1। अब बोलो आंसर क्या है बे, एक नंबर तरीके से हुआ सवाल, कितना 20 आ रहा है, 20 आ रहा है बेटे, जी सर। बिल्कुल एक नंबर से हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप क्या है। सर उसको C1V1/N1 से भी कर सकते थे ना, बेटा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि दो रिएक्शन साथ हुए हैं, बात समझ रहे हैं, पहले आपने तीन का अच्छा मिक्सचर बनाया और फिर सोडियम थायोसल्फेट, अगर एक एक होता तो कर लेते हैं। बताइए इसमें कौन सी वन सा, वन अपॉन एन वन वाला फॉर्मूला जो है वो एसिड बेस रिएक्शन के अलावा और किसी रिएक्शन पे लग सकता है? बेटा हर हर टाइट्रेशन में लग सकता है ठीक है, लेकिन वो एक रिएक्शन होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ रिएक्शन ही होना चाहिए। सी कंडीशन, क्या बेटे, वैसे कंडीशन क्या होती है मिक्सचर और रिएक्शन ना हो? बेटा सी वन वी वन वाले C1V1 फॉर्मूला की कंडीशन क्या होती है? बेटा C1V1 की कंडीशन ये होती है कि एक ही केमिकल होना चाहिए, उसकी डाइल्यूशन की हो आपने, मिसाल के तौर पे HCl, उसमें पानी डाल दिया, पहले कंसंट्रेशन थी 0.1, अब बताइए कंसंट्रेशन क्या होगी, तो पहले की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू अब नई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कितने में बनाया, इसलिए से कहते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2, इसका नाम है डाइल्यूशन फॉर्मूला। चलिए बेटा अगला है सर बोले बेटे, आपने जो पहले एक क्वेश्चन करवाया था वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर से करवा दें। ऊपर कौन सा बेटा क्वेश्चन, जो था पार्ट कौन सा, बी ये वाला, नहीं, ऊपर ऊपर वाला। ये अब नहीं, ऊपर जो कैलकुलेशन, हाँ ये वाला मास ऑफ प्रोपानॉल। बेटा देखो, पहले तो हमने बस बेटा वॉल्यूम का बता दें, वॉल्यूम 25 जो लिया है। बेटा ये वॉल्यूम तो 25 ही लिया था ना आपने, सवाल में दिया हुआ था आपको इथेनॉल का, ये रहा, ये देखें, अच्छा सही है बेटे। ठीक, सही। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ जब भी आयोडीन डालते हैं तो इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होता है, स्टार्ट स्टार्च, वेरी गुड। बताओ क्यों, कौन सा क्या चीज होती है कलर चेंज, ब्लैक टू कलरलेस। ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक टू कलरलेस, पीपीटी मत लिखना, सोल्यूशन है ब्लू ब्लैक सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस,
या ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन डी कलराइजेस। अच्छा, दो वेरिएबल हैं विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। याद रख लेना, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तुमसे कराएगा तो तुम्हें वेरिएबल मालूम होना चाहिए। तुम एक इंडिपेंडेंट हो, तुम इंडिपेंडेंट हो क्यों? क्योंकि तुम अपने फैसले खुद करते हो, तुम खुद चेंजिंग लाते हो, तो जो तुम चेंज करोगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी जो बचा वो डिपेंडेंट है। जिसे तुम ऑब्जर्व करोगे वो डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे अगर तुम अपने छोटे भाई को शमाटे लगाते हो तो तुम लगा रहे हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, वो बेचारा रोने लगेगा है ना, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? जब भी तो पिट रहा है वो। बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे, तुम्हें समझ आ रही है बात? चलो जी बताओ, तुमने टाइम नोट करना है, नोट करना है, नोट नोट। तो बताओ क्या वो चेंज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा? वेरिएबल होगा ना वो भी। ये टाइम है इसका यूनिट सेकंड। और बोलो वेरिएबल क्या है? बेटा तुम टाइटेशन कर रहे हो, ब्यूरिट से क्या चीज निकाल रहे हो? ओ वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? एसेट का। क्या जहालत है मेरे बच्चे, तुमने ब्यूरिट में क्या भरा था? थायोसल्फेट। तो तुम थायोसल्फेट का वॉल्यूम चेंज होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट जो ब्यूरिट में है। मेरे बच्चों तुम्हें खुदा का वास्ता, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, ये वेरिएबल वो चीज है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? या तो आप चेंज करेंगे, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो भाई देखो उसने, तुमने क्या क्या नोट किया है तुम खुद देखो ना, उसने टाइम टाइम स्टार्ट किया था, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है बेटा। जी सर। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द वॉल्यूम वेरिएबल। बोलो मेरा बच्चा, बात समझ आ रहा है? जी सर। बताओ वो कौन सी चीज है जो उसको तुमने कंट्रोल नहीं किया तो गड़बड़ कर देगी? बताओ क्या करोगे कि, नहीं बेटा क्या करोगे कि प्रिसिपिटेट ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन गायब हो जाए? अगर पानी और नमक पड़े हुए हैं, क्या करोगे वो गायब हो जाए? पानी में नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा, सेचुरेटेड हो गया, क्या करें? हीट करेंगे। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल को हीट करेंगे तो मोर वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ब्लू ब्लैक पीपीटी गर्म करने से गायब होता रहेगा, थायोसल्फेट और आता रहेगा और आता रहेगा और आता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर, ये वाली बात वापस बता रहे हैं। मुझे बताइए, आप जब इसको टाइट्रेशन, जब भी टाइट्रेशन करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, अगर एसिड बेस है। बेटा बोलो ना, एसिड बेस, जी ये तो सर। एसिड बेस, ये तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है ना, ये तो आयोडोमेट्री है। आयोडोमेट्री में क्या होता है, आयोडीन निकलती है। जब तुम इसे हीट करोगे तो आयोडीन ज्यादा निकलेगी ना, जी। तो इसमें क्या चीज इसे कंट्रोल करना पड़ेगा? आप कहेंगे टेम्परेचर, भाई आप बीच में ना ना क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट चेंज हो जाएगा। अब आपने ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर बताइए। ऑर्डर निकालने के लिए आपने हाफ लाइफ निकाली होगी, बोलो बेटा ऐसा ही है? तो बोलो कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे आएगी, कौन सी चीज वाई एक्सिस पे आती है? एक्स एक्सिस पे टाइम आता है, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात है मेरा बच्चा, शाबाश। टाइम नंबर नहीं मिलेंगे जब तक इसमें सेकंड नहीं लिखोगे।
इधर लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, नंबर नहीं मिलेंगे जब तक मोल पर डीएम क्यूब नहीं लिखोगे। वर्डिंग में लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, बताइए क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर लेस स्टीफ ट्रांसफर कर्व लाइन बनेगी। आइए मैं आपको डीआई लिखा देता हूँ। डीआई चार ग्राफ पॉसिबल है, चार ग्राफ पॉसिबल है, अपनी खोपड़ियों में डाल लो, चौथा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी किसी जाहिल इंसान को समझाएंगे ऐसे समझाएंगे, सुनो। पहला ऑप्शन ये है कि ये रिएक्टेंट है, ये टाइम है, ये रिएक्टेंट है, ये टाइम है, ये रिएक्टेंट है, ये टाइम है, ये रिएक्टेंट है, ये टाइम है। बोलो बेटा, अगर रिएक्टेंट ऐसा आ जाए तो क्या मतलब है इसका? जीरो ऑर्डर, नो रिएक्ट। हाँ हाँ दोबारा बोलो, सही बोला है। बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो? नो रिएक्शन, नो नो रिएक्शन, रिएक्शन। शाबाश। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा, नो रिएक्शन। बोलो अगर ऐसा आ जाए तो कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर, जीरो जीरो ऑर्डर। ऑर्डर। शाबाश शाबाश। अब तो हमें दो ही ऑप्शन है, या तो यूं आ जाए या तो यूं आ जाए। जितना वाई एक्सिस के साथ चिपक के जाएगा सेकंड ऑर्डर, जितना बाहर होगा फर्स्ट ऑर्डर। बोलो कौन सा ग्राफ बनाऊं? बोलो मेरे बच्चे कौन सा फर्स्ट बनाऊं? फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर वाला यू। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे बच्चे? सर इस तरह से कर्व लाइन बन जाएगी, सही है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। चलो, हाउ कुड द ग्राफ बी यूज टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन इज फर्स्ट ऑर्डर? क्या निकालें? हाफ सर, लाइफ हाफ लाइफ। निकालें, हाफ लाइफ निकालें। अगर अगर क्या होगा हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इंक्रीज, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट हाफ लाइफ रहेगी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, एक नंबर का सवाल है। आप लिखेंगे फाइंड हाफ लाइफ इफ सक्सेसिव हाफ लाइफ आर सेम, हाफ लाइफ आर सेम, ऑर्डर इज फर्स्ट इंक्रीज। सुनना, मैं गलत कह रहा हूँ, इंक्रीज हो तो सेकंड, डिक्रीज हो तो जीरो। बोले ऐसे ही है। इसकी डीआई याद रखिएगा, इसकी डीआई यहां जीरो है, गलत, यहां जीरो है, यहां फर्स्ट ऑर्डर है, यहां सेकंड ऑर्डर है, यहां सेम, यहां डिक्रीज, यहां इंक्रीज। क्या हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ? समझ आ रहा है? बोलो मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है? जी सर। अब अगला है, सजेस्ट आई स्टूडेंट्स इज दैट द टेम्परेचर एट विच द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट वुड अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद
रिस्पेक्ट टू आयोडीन, बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, बोले ओ नो भाई, सर, 20 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है, अल्लाह से डरो। बोलो टेम्परेचर बढ़ाने से हाफ लाइफ ऑर्डर चेंज होगा? नहीं सर, नहीं, नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन मतलब चेंज, जो हाफ लाइफ का तो फर्क होगा, लेकिन उस हाफ लाइफ का जो चेंज होगा वो तो सेम होगा, तो लिहाजा ऑर्डर रिमेन सेम। सर वैसे भी टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑर्डर चेंज होने में तो। तो इसीलिए तो नहीं होगा कि रिएक्शन फास्ट होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जल्दी, आपको हाफ लाइफ जल्दी मालूम हो जाएगी, ये होगा बस। और सर अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते तो उससे हाफ लाइफ पे मतलब ऑर्डर पे फर्क पड़ता ना। हाँ, ऑर्डर का कंसंट्रेशन से सफर, कंसंट्रेशन से भी नहीं पड़ता। मेरी बात समझ सोच में आ रहा करके है? पड़ेगा ना। बेटा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता। यही तो बोल रही हूँ, कंसंट्रेशन चेंज होती तो उससे फर्क हाँ पड़ता उससे ना। होता है। हाँ, उससे नहीं, एक तो चेंज आप करेंगी कंसंट्रेशन, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट में कम डाल दी, ज्यादा डाल दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा। मनाल, बहुत फर्क है तुम्हारी बात में और मेरी बात में। अगर जी आपने जी सर, समझ गई। अब बात वो समझ गए ना? कितना चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, हाँ समझ। हाँ देखो, अम्मा अब्बा तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे का ए ग्रेड आ जाए, ठीक है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और बच्चा अपने अंदर कुछ चेंज ला नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर चेंज लाने की। आप चेंज करेंगे, आपकी हाफ लाइफ चेंज होगी, ऑर्डर चेंज होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कंसंट्रेशन जी, खुद चेंज होनी चाहिए। आप जो इनिशियल कंसंट्रेशन डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर हाफ खुद लाइफ चेंज होने का क्या मतलब? जब रिएक्शन होगा तो खुद ही चेंज होगा ना यार, तो उससे ऑर्डर चेंज हो वो जाएगा। कितना रिएक्ट करता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करती है, उस पे फर्क पड़ उससे फर्क पड़ रहा है। देखिए मिसाल के तौर पे आपने रिएक्टेंट चुन्ना सा डाल दिया, ठीक है, और मैंने रिएक्टेंट बहुत सारा डाल दिया, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, मेरा रिएक्टेंट तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, आपका रिएक्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा, वही का वही दे रहा है, तो आपका जीरो ऑर्डर हो जाएगा, मेरा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर तो ये रिएक्शन के दौरान जो डिक्रीज जल्दी होना और देर से होना, ये किस चीज से इफेक्ट हो रहा बेटा ये तो ये अल्लाह को मालूम है ना कॉन्सेंट्रेशन? कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी जल्दी तेज होता है, कौन सा अच्छा ऑर्डर सही। है, कौन सा ऑर्डर नहीं है। जैसे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे आप करें चाहे मैं करूं, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। सही है, सही आप मैं मेरी समझ बात गई। समझ रही बेटे? मेरे ख्याल में इसको कर लेते हैं, मेरी दूसरी क्लास भी है, पहली क्लास भी लेट शुरू हुई थी, इसको कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ इथेनॉल बर्न ऊपर लिखा हुआ डेटा, अगर आप कैलकुलेटर निकालेंगे तेजी के साथ करेंगे पूरा पूरा ईयर हो जाएगा। चलिए बताइए अमाउंट ऑफ इथेनॉल कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ इथेनॉल बर्न कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है बर्न, मास ऑफ वाटर हीटेड, ये देखें यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये स्प्लिंटर है, इसके अंदर इथेनॉल है, इथेनॉल को गर्म किया, आग जलाई, पानी उड़ रहा है, आपसे पूरा अमाउंट ऑफ इथेनॉल बर्न, यहाँ स्टार्ट में इथेनॉल कितना लिया है, यहाँ है 0.391। मोल्स निकाल ए बेटे हाँ, मोल रहे निकाल लें, मोल्स मोल निकाल निकाल लें। रहे जी जी बेटा मोल निकाल लें, यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ मोल पूछ रहा है। बताओ बेटा सर, तो इथेनॉल मास का अपॉन एम आर एमआर, कर दो बस। हाँ बेटा जल्दी से एमआर बता दो कितना होता है इथेनॉल का,
C2H5OH, ये 24 है, ये 6 है, ये 16, 20, 30, 40, 46. चलो बेटा जल्दी से बताओ कितना आएगा. 8.5 × 10⁻³. शाबाश, 8.5 × 10⁻³. बेटा अब इसका एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर ये भी निकाल लो. इसका एनर्जी निकालनी है, एनर्जी किलो जूल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा बोलो. वो MC delta T. ठीक है बेटा, मास कितना है पानी का 40, और क्यू एम 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 आ गया, एम सी कितना है 8. नहीं 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 सी कितना है 4.18. एम सी टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है 19.5. बोलो बेटा. सर ये ग्राम्स में है, इसको किलोग्राम्स में नहीं करना हो? नहीं बेटा किलोग्राम में नहीं करते, ग्राम में करते हैं. ठीक है, उसके बाद 1000 से डिवाइड भी किया इन्होंने. सर 3.26 × 10³ है. 1000 से डिवाइड भी किया है. अच्छा सही है. चलो चलो जल्दी से मुझे इसके इसके अमाउंट ऑफ इथेनॉल बता दो बेटा. 0.01. और बोलो, तीन सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है तो लिहाजा ऊपर वाला गलत हो गया, राबिया ऊपर वाला गलत हो गया, तीन सिग्निफिकेंट बोलो. सही है. अगला बोलो 0.01. बोले बेटा. सर हमने मास ऑफ एथेनॉल क्यों नहीं इंक्लूड किया था एमसी डेल्टा टी में? बेटा एमसी डेल्टा टी में मास ऑफ वाटर डालते हैं हमेशा हमेशा हमेशा. चलो बेटा शाबाश. 0.01. बेटा तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है आपने बोले. 0.0106. शाबाश. नीचे वाला बताएं, इसके वाला, ये वाला बेटा 0.0110. 0.0110. शाबाश. डिवाइडेड बाय 46 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 46. बोलो बेटा डिवाइडेड बाय 46 बोलो. शाबाश. 0.0121. 0.0122. शाबाश. 121. सर वो 122 है. आगे बढ़े. जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव एट. शाबाश. 0.0129. 0.0129. अगर चौथे नंबर पे 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ कर देना बेटा. 0.0089. ये तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटे. 891. अगला बोले. जीरो पॉइंट जीरो वन फोर एट. शाबाश. चले क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी. अगला करें. सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है आपने. शाबाश. सर मेरा सवाल है 3.9. सर ये जो 0.597 पे अमाउंट निकाला है इसका आंसर 0.01297 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ ही करेंगे. इसको राउंड ऑफ कर ले, 130 कर दे. और बोले. सही है, कहा है बिल्कुल. अगला बोले. बेटा क्या बोला आपने आंसर दूसरे वाले का? 3.9 95. मेरा बच्चा बेहतरीन बेहतरीन. तीसरा बताए. 4.096.
4.096 तो 10। अगला बोले 4.50। 4.50 शाबाश। अगला बोले 5.62। क्या बात है भाई, 5.62 वेरी गुड। अगला बोले 5.20। 5.20 वेरी गुड। अगला बोले 3.39। अरे मेरा बेटा जीती रहो, खुश रहो। अगला बोलो 5.30। 5.30 तुमने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। सर ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हम लोग ने सबसे पहला जो कॉलम है मास ऑफ इथेनॉल उससे देके बताया। नहीं बेटा, ये ऊपर लिखा हुआ रिकॉर्ड, ऑल आंसर 2-3 सिग्निफिकेंट अच्छा, फिगर। सही है, जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मुझे बताना वैल्यूज। ठीक है बेटा, ले लिए। अब आगे आ जाए इधर। अमाउंट ऑफ इथेनॉल बर्न, पहला बोले, पहला का आंसर क्या है? पहला अमाउंट ऑफ इथेनॉल 0.00850। एट फाइव यहां पर आएगा, बाद में मिटा देंगे। ठीक है, जी, और बताए कितनी एनर्जी 19 ट्रांसफर हुई है, पॉइंट बताइए। टू कि सिक्स 3.26, 3.1 नहीं, 3.1, 3.2, 3.3। सही है, तो 3.1, 3.25 यहाँ होगा। 2.6 है सर, तो राउंड ऑफ करके। देखो मैंने ऊपर तो कर लिया, हाँ थ्री ठीक थ्री पॉइंट वन 3.2, 3.6 ऊपर कर लिया, 3.26 हो गया। अगला बोलो बेटा क्या है। 0.0106। 6 0.01106 ये रहा, 6 ये आ गया बेटा, ये आ गया 6। बोलो बेटा इसमें क्या आ रहा है। 3.95। 3.9, 3.5, 3.55, 5.6, 5.7, 5.59, 3.95 यही है, 3.95 जी सर, या थोड़ा ऊपर है। सॉरी सही है, हल्का देखो सा थ्री ऊपर है मेरे। हल्का सा ऊपर है ये रहा। ठीक है जी, अगला बोलो। अब है 0.0110। 0.01, 0.0110 यही है, 0.0110 यही है। 4.10। फोर फोर पॉइंट वन पॉइंट जीरो 4.1, 4.1 ये रहा, यही है ना 4.1। जी क्या बात है, अगला बोलो। 0.0122 0.0122 टू टू ये रहा, 2-1 ये रहा, 2-2 ये रहा। सही है, इस पे कितना आ रहा है बेटे, इस पे आ रहे हैं 4.50। 4.50 ये रहा। अगला बोलो 0.0158 1.58 ये रहा, 5.62। 5.8 ये रहा, 5.5, 5.6, 5.8 ये रहा, 5 5.1 5 पॉइंट हाँ 5.8 है, 0.158 5 पॉइंट इस पे एनर्जी है 5.62। 5.62 5.6 5.5 5.51 5.2 बोल रही हो ना बेटे, 5.62 6.2 जी 5.5 ये रहा, 5.62 ये आएगा। किसी को भी कोई शक हो तो बता देना भाई। और बोलो अगला बोलो। फिर है 0.0129। नहीं 1.30 था, 0.0130, 1.30 पे कितना था बेटा, 5.2। ये आ गया 5.2 टू बेटा, 5.1,
5.2 ये तो आपने यहां निशान लगा देना 5.2। सही है बेटा, यही है ना 5.2। जी सर। बोले बेटा अगला बोले। अगला है 0.00891। 0.0089। 0.00 0.0089 8586 8789 ये आ रहा है 8989, ये रहा 891। बोलो इस पे कितना है। इस पे है 3.39। 3.25, 3.3, 3.9 3.4 ये आएगा यहाँ पे। नहीं ये कैसे होगा, 3 1 सर मैं वापस 2 3 4 यहाँ होगा। सही है यहाँ पर होगा, ये आ गया। अगला बोले बेटा। अगला है 0.0148। 0.01485678 इस पे कितना आ रहा है बेटे, 5.30। 5.30, 5.1 5.2 5.30। उफ, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्या करें भाई। बीच में जो मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं बीच में नाम। ठीक है जी, तो क्या ये लाइन है बेस्ट फिट, बोले ये बेस्ट फिट है। जी सर यही बेस्ट फिट लग रही है। या सर आप जो एंड वाला पॉइंट है वो ज्वाइन कर दें और एक एक दोनों तरफ, तो जरा चेक कर लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट सही लिखा है। ये 0.0158 पे कितना था, 0.0155.62, 5.62। तो ये गलत लगाया था ना, देखो 5.5 ये रहा, तो 5.5 सर आपने ज्यादा ऊपर लगा दिए, 5.6 इसी पे जाके लगेगा है ना, तो 5.62 यही लगा। ठीक है ये आपका एनोमलस आ गया। राइट द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच गेव द रिजल्ट विच हैज मोस्ट एनोमलस। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, एक्सपेरिमेंट 6। एक्सपेरिमेंट 6 अब आपसे कह रहा है भाई ग्रेडियंट निकालो, कोई सा भी दो पॉइंट ले लो भाई, ग्रेडियंट निकालो कोई से भी ले लो, यहाँ पे आपके पास जो नजर आ रहे हैं। कौन सा लें बोले, एक ये ले लो एक ये ले लो। ठीक है टेबल्स में लेने से बेहतर है ग्राफ से ही लें, क्योंकि ग्राफ हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे तो उसमें मतलब वो जॉइंट तो हो रहा है, लेकिन ये सारे पॉइंट ज्वाइंट हो रहे हैं ना इसलिए। सही है 107 107 लिए मैंने, 107। ठीक है मेरे लिए आसान है, मुश्किल क्यों करूं। एक्स एक्सिस में अमाउंट है, ठीक है तो 0.00850, 3.26, 7 कौन सा है, 0.00891, 3.39 और 3.39। अब ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
जीरो वाई टू क्या है, 3.39 माइनस 3.26 डिवाइडेड बाय 0.00891 माइनस 0.00850। जल्दी से बोल दो आंसर क्या है बेटे। 317.1 317.1 चेक कर लेना बेटा, यही आंसर है सर। थ्री सिग्निफिकेंट में देना है ना, तो फिर तो 317 ही हो जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल सही है, 317, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है 317। क्या बात है भाई, क्या बात है। या आपके पास आ गया एंथैल्पी ऑफ द जो भी है। अब ये कह रहा है अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इज माइनस 1। बताओ नेगेटिव का क्या मतलब है। सर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन इज एंड एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है। क्या बच्चों वाला सवाल देना चाह रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो एरर कितना है, 0.005। बताओ जब तुम मास निकाल रहे हो तो एक रीडिंग लेते हो या दो रीडिंग लेते हो। दो रीडिंग, एक खाली बीकर और एक बीकर में डालने के बाद, तो दो रीडिंग कितनी है, 0.391। क्योंकि ये परसेंटेज ले जा रहे लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 0.2557 जी भाई, पहला आंसर आपका आ गया अल्लाह के हुक्म से 0.2557। तो 6 करोड़ ना, 3 सेकेंड फिगर। अगला बोलो सर। 0.05 जीरो पॉइंट, अच्छा 0.05। ओ माई गॉड, ओके। तो क्या आंसर आया बेटे। सर ये मल्टीप्लाई बाय क्यों हुआ बेटा, क्योंकि दो मास निकाल 0.25 एक खाली बीकर लेते हैं, फिर खाली बीकर के अंदर मास मेजर करते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं, दो रीडिंग हुई ना बेटे। अच्छा सही, ठीक है बेटे, क्या आंसर आ रहा है। 0.25 जी सर। अबे भाई क्या हो गया, एक कैलकुलेशन नहीं हो रही तुम लोगों से यार। सर 0.25 आ रहा था। 0.25 0.25 है जी। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि जो तुमने गौर से सुनना मेरी बात, मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। देखो जब तुमने मास मेजर किया है वाटर का, ठीक है एक मिनट वापस इधर आना। अच्छा ये रहा मास ऑफ वाटर, ठीक है मास ऑफ वाटर तुमने कैसे निकाला होगा, पहले बीकर का वेट लिया होगा, फिर बीकर के वेट में से फिर पानी का वेट रखा होगा, दोनों को माइनस किया होगा, ठीक है। और इथेनॉल का मतलब मास कैसे निकाला होगा, पहले तुमने बंसन बर्नर प्लस इथेनॉल लिया होगा,
फिर बर्न करने के बाद दोनों का मास लेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मेटल कैन मेजर्ड मास ऑफ हीट और मेजर्ड मास ऑफ वाटर इन द मेटल कैन। मेरा बच्चा मैट जो मेटल केन है ये बीकर नहीं है, ये ऑलरेडी मेजर्ड है, ऑलरेडी मेजर्ड। ऑलरेडी रिटन ऑन केन, तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ये बीकर नहीं था, मैं समझा बीकर है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे। अबे क्यों नहीं मेरी बात समझ आ रही? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है तो इसका आंसर 0.5 होगा। क्या मल्टीप्लाई करके बोलना क्या आया था? 0.5। अबे बोल दो मेरी दूसरी क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। सर एक मिनट, 0.125 आ रहा है अभी तो। 1.25 यार, 1.25 बड़ी चिंती है। ठीक है 0.125। अब कह रहा है देखो गौर से सुनना, जल्दबाजी मैं नहीं कर मुझे नहीं करनी चाहिए। एक और बच्चा है वो रिपीट कर रहा है एक्सपेरिमेंट को इसी मेथड पे सेम कंडीशन पे, लेकिन जो उसकी वैल्यू ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल आ रही है वो आ रही है -6.2। और सजेस्ट अ रीजन व्हाई द एरर कैलकुलेटेड इन वन डू नॉट फुल्ली अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द कंबशन। अबे भाई ये क्या हो रहा है, उसका क्यों आ रहा है, मेरा इतना क्यों आ रहा है भाई? उसकी भाई जाहिर सी बात है जो कि रेंज में नहीं आ रही उसकी वैल्यू, तो इसलिए ये वाला एरर जो है वो फुल्ली अकाउंट नहीं कर सकता। नहीं देखो ना मेरी बात सुनो, देखो एक तो ये बात है कि जो तुम्हारा जो जो पहला जिस बच्चे ने नीचे एक्सपेरिमेंट किया है ना उसमें जो है वो हीट लॉस ज्यादा आ रही है, ठीक है। और जो बच्चा है 6.2 वाला वो कह रहा है कि भाई 6.2 हीट हो रही है, कम हो रही है हीट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब चले बच्चे का हीट लॉस ज्यादा हुआ है, जिसकी माइनस की वैल्यू ज्यादा है उसी का एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ज्यादा है ना। ओ भाई ये मेरी बात सुनो, ये टेम्परेचर से निकाली होगी उसने, जितना ज्यादा टेम्परेचर आया होगा उतनी ज्यादा वैल्यू आई होगी, इसमें टेम्परेचर कम आया होगा इसमें टेम्परेचर लॉस ज्यादा हुआ होगा। क्यों नहीं समझ आ रही बात? जी सर समझ गया, बात समझ रहे हो? नीचे -1370 पे तो टेम्परेचर हाई होगा जबी तो हुई है, इसका मतलब हीट लॉस कम हुई है, इसमें हीट लॉस ज्यादा हुई है, मोर हीट लॉस। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी सर। बेटा मैं एक ड्राइव बनाऊंगा, उस ड्राइव में इसको डाल दूंगा, ठीक है, और आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक सवाल था, आपने मल्टीप्लाई चलेगा क्या? दोबारा बोलो क्या कह रही हो सर? आपने जैसे एरर वाला क्वेश्चन अभी जब कर रहे थे कि परसेंटेज एरर निकालना है, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई बाय टू कब करना है और टाइम जो देखें देखें अगर आप जो है इस तरह से ले रहे हैं कि क्या तुम्हारा देखें, अगर आपने दो दफा मास लिया है तो टू से मल्टीप्लाई होगा, जब एक दफा मास लिया है तो अगर मैं आपसे कहूँ आप वेइंग मशीन पे खड़ी हो जाएं तो आप खाली खड़ी हुई आपका मास है, टू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कंटेनर लिया है, पहले खाली किया खाली रखा फिर उसके अंदर मास लिया तो दो दफा मास लिया तो रीडिंग को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ आई? चलिए बेटा मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है, कल क्लास इसी टाइम पे होगी इंशाल्लाह, या मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ।